हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है इसके चैप्टर नंबर 8 पंचलाइक जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, इसे हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे इस चैप्टर को, भाग एक और भाग दो, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को लिया जाएगा और पार्ट टू में बचे हुए हिस्सों को हम पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो चैप्टर नंबर 8 पंचलाइट जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, जिनका जन्म सन 1921 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी, बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगड़ा नामक गांव में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। वे 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 ईस्वी में नेपाली क्रांति आंदोलन में हिस्सा लिया। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थे। 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य की ओर झुके। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा भारत और नेपाल से की। उसके बाद 1942 ईस्वी में वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 ईस्वी में उन्होंने नेपाली क्रांति में भी अपना योगदान दिया और सही मायने में देखा जाए तो रेणु जी कर्मशील, मेहनती और सारस्वत थे। सारस्वत यानी सरस्वती के या शास्त्रीय ज्ञान से संबंधित। 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त हो गए और उसके बाद उन्होंने लिखने का काम स्टार्ट किया। रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। आंचलिक गांव से संबंधित बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया। उपन्यास के मामले में गोदान बहुत ही फेमस है, जबकि सर्वश्रेष्ठ कृति कहते हैं प्रेमचंद्र की। सेकंड मैला आंचल जिसको लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने, ये भी दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में माना जाता है। इसके अलावा परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि गणमान्य उपन्यास है। तो एक आदिम, रात्रि की महक, डुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि कहानी संग्रह है। कहानी संग्रहों के नाम भी दिए गए हैं। रेणु जी ने ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व नामक रिपोर्टार्ज भी लिखे हैं। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम से तीसरी कसम नामक फिल्म बनी। अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि प्रमुख कथा संग्रह है। रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में इनकी गिनतियां की जाती है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब पंचलाइट, इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस कहानी में पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष को उजागर किया गया है। गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ़ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि पंच, जो पंच होते हैं गांव के जो मुखिया, वो
दंड जुर्माना लोगों पर कैसे लगाते हैं, और गांव में कोई नया चीज़ आता है, कोई नया सामान आता है, तो सारे लोग कैसे भजन कीर्तन करके उस काम को या उस कार्य की शुरुआत करते हैं। गांव में अनपढ़ लोग में अज्ञानता के कारण जातिगत द्वेष, जाति से घृणा करना, ये सभी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है, जबकि गोधन को सजा दी जाती है। वो क्या सजा है, क्या उसका दोष था, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ़ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है, नई रोशनी भर जाती है, और गोधन ने जो गुनाह किया था उस गुनाह के लिए पंचायत उसे माफ़ भी कर देती है। तो आइए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभा चट्टी कहने का मतलब है सभा स्थल, जहां पे वो लोग मीटिंग करते हैं, एकजुट होते हैं। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं, तो 15 महीने से जो दंड जुर्माने के जो पैसे आ रहे थे, उन पैसों को जमा करके महतो टोली ने पेट्रोमैक्स खरीदा रामनवमी के मेले में। गांव में टोटल 8 पंचायतें हैं, जिसमें हर एक जाति की अलग अलग सभा स्थलें हैं। सभा चट्टी यानी सभा स्थलें हैं। सभी पंचायतों में दरी है, जाजिम है, और इसके अलावा पेट्रोमैक्स जिसे गांव के लोग पंच लाइट भी कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि लोगों ने, यहाँ के मुखिया ने कैसे 15 महीने से पैसे जमा करके पंच लाइट खरीदा, यानी पेट्रोमैक्स। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। बिना नियम धर्म के हमें किसी भी कार्य का पुण्याह यानी उसको प्रारंभ करना नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। अब गांव में एक नया सामान आया है तो उसके लिए ये लोग सोच रहे हैं कि 10 रुपये जो बचे हैं उससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। क्योंकि बिना नियम धर्म के, बिना पूजा पाठ के किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अंग्रेज लोग जो थे वो लोग भी पुल बनवाने से पहले बलि देते थे। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के पुंट गीछा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ है महतो। मेले में पंच दिन दहाड़े ही पंच लाइट लेकर गांव लौट रहे थे। पंचायत का जो छड़ीदार पंच लाइट को अपने माथे में लेकर आ रहा था, उसके पीछे सरदार थे, दीवान थे, पंच वगैरह थे, और रास्ते में उसे ब्राह्मण टोले के पुंट गीछा ने टोक दिया कि ये जो लालटेन है ये तुमने कितने में खरीदा है महतो, देखते नहीं है पंच लाइट है। उसको गुस्सा आया कि ये लालटेन क्यों बोल रहा है इसको। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं, अचानक से रोक टोक करते हैं, अचानक से बोल देते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों की पंच लाइट को लालटेन। अब इसको गुस्सा आ रहा महतो को कि खुद के घर में अगर ढिबरी भी हो तो उसे बिजली बत्ती कहेंगे, जबकि ये पंच लाइट है तो उसको लालटेन कह रहा है। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है पंच लाइट। छड़ीदार अग्नु महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से छू छा मत करो, ठेस ना लगे। अब गांव में एक नई चीज़ आई है जिससे सारे लोग अपने घर के काम वगैरह को छोड़कर उसे देखने आ रहे हैं, तो
उस देखने के दौरान जो छड़ीदार अग्नु महतो है वो सबको चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है कि सभी लोग इस चीज़ से दूर रहो, इसे ज़्यादा छू छा या ठेस नहीं लगने पाए इसमें। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले के कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, क्या कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखर धरने में डेढ़ बेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट बैकाट यानी बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो इसमें सरदार ने अपनी स्त्री को कहा कि पंचलाइट आया है तो शाम में कीर्तन होगा, पूजा पाठ होगा। इसके पश्चात टोले की कीर्तन मंडली आएगी, मुलगैन, मुलगैन यानी नायक ने अपने भगतिया पक्षकों को, जो उसका कीर्तन मंडली का हेड था, उसने अपने पक्ष को, जो भी उसके अंडर काम करते थे, उनको समझाकर कह दिया कि देख लो पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, बेकार में सभी लोगों को पहले ही कह देता हूँ कि आखिर धरने में डेढ़ बेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से बेकॉट, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अगले दिन से तुम सबका बहिष्कार कर दिया जाएगा, तुम सबको निकाल दिया जाएगा। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गुसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। अब कुछ नया सामान आया है गांव में तो शोरगुल तो होगा ही। सूरज डूबने के एक घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट 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 के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया, पूरे 5 कौड़ी और 5 रुपये में लेकर आया हूँ। तो सारे लोग पंचलाइट को देखकर बहुत ही खुश हो गए और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। कौड़ी, कौड़ी कहने का मतलब है 20। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। अब ये लोग खरीदने के समय कैसे मोल भाव किए, पूरे गांव में पंचलाइट के सिवा कोई भी दूसरी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि एक नया सामान, एक नई चीज़ गांव में आई थी। तो इसमें सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, क्या, दुकानदार ने अब बता रहा है कि कैसे उसने खरीदा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपये में दूंगा। मैंने कहा, दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम सब देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट हमने देखा है। इसके बाद दुकानदार ने मेरा मुंह देखा और कहा, लगता है कि आप इस टोले के सरदार हैं, इस जाति के सरदार हैं। चलिए ठीक है, आप ये पंचलाइट खरीदने आए हैं तो मैं इसे आपको पूरे 5 कौड़ी में ही दे रहा हूँ। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे दूर खेल करता है, दे दो बक्सा। अब दीवान जी ने अलबत्ता चेहरा देखते हुए, जिसको थोड़ा सा जो आश्चर्य का चेहरा बनाए हुए था, अजीब सा चेहरा, उसको देखते हुए, उसको परखते हुए क्या कहा दीवान जी ने, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। समझ में आता है दुकानदार को, पंचलाइट का बक्सा, दुकान का नौकर, क्या कि आपने तो मोल भाव कम कर लिया, पैसे कम दे रहे हैं तो इस के लिए आप उसको बक्सा नहीं देना चाह रहा था दुकानदार का नौकर। तो इसे देखकर दीवान जी ने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना पंचलाइट के या बिना बक्सा के पंचलाइट तो हम सब कैसे ले जाएंगे। तो दुकानदार ने अपने नौकर को डांटा और कहा कि ये तुम उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो, चलो दे दो बक्सा।
टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान जी को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलट, सारी कहानियां बता रहे, कैसे खरीदा, किस प्रकार से उसको लेकर आए टोले तक अपने लोगों के बीच में। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। लेकिन क्या, रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलट को जलाएगा कौन? अब पंचलट लेकर आ गए हैं, अब ये नहीं समझ में आ रहा है, किरासिन की तेल ले आए, पंचलट ले आए, अब किसी को जलाना ही नहीं आए, तो अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि अब इसको जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी, पंचलट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं सोचा कि इसको जलाएगा कौन। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल डोल ढोल और करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलट पड़ा हुआ है, किसी को जलाना ही नहीं आता। अब सारी जो वहाँ के सिचुएशन है, सारे सिचुएशन क्रिएट कैसे हुए हैं, हर एक माहौल तैयार हो गया है, पूजा की सामग्री आ गई है, कीर्तन के लोग ढोल लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस पंचलट को जो कि पड़ा हुआ है इसको जलाएगा कौन। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, न मायरे गाय लू तो दूहे कौन, लो मजा। मतलब जिस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होना, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होना, अब इसको जलाएगा कौन, अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले, अब इसको कौन बाले यानी कौन जलाए। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलट बालने वाला नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई जलाने वाला नहीं है, हर एक पंचायत में पंचलट है, उसके जलाने वाले जानकार भी है। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके, नियम धर्म सारे करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलट जलेगा। मतलब एक तो पहली बार हमारे गांव में पंचलट आया है और वो भी जलाने के लिए दूसरी गांव से लोग आए, इससे तो अच्छा है कि पंचलट पड़ा रहे लेकिन इसे कोई दूसरे गांव का आदमी नहीं जलाए। जिंदगी भर ताना कौन सहेगा, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, ताना मारेंगे, तुम लोगों का पंचलट पहली बार दूसरे के हाथ से, ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा, किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई, आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन बालता है। तो सारे कुछ तैयार हो गए, अब ये लोग सोच रहे हैं कि इसे जलाने के लिए अब दूसरी मंडली से, दूसरी टोली से, दूसरे गांव से अगर लोगों को बुलाया जाएगा तो ये तो हंसी उड़ाई जाएगी कि पंचलट जलाना आता नहीं है और गांव में लेकर आए हो, हमेशा ताना सुनना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि ये पंचलट पड़ा रहे लेकिन दूसरे गांव से कोई आकर इसे नहीं जलाए। भले जानकार तो है दूसरे गांव में, जलाने वाले तो हैं, हर एक गांव में पंचलट है, लेकिन दूसरे से ये नहीं जलवाना चाहते थे, नहीं बलवाना चाहते थे, बालना मतलब जलाना। चारों ओर इसी चीज़ को सोचकर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा, क्यों, क्योंकि दिन ढलने लगा और दूसरे गांव में शाम के समय में दूसरे घर घर में लोगों ने डिबरी तक नहीं जलाई थी, क्यों, क्योंकि इस खुशी से कि पंचलट के सामने डिबरी कौन जलाता है। तो ऐसे इन लोग इतनी खुशी से ये लेकर आए, अब इनके सामने यह प्रश्न है कि इसे जलाएगा कौन। तो पार्ट वन में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम सब ये देखेंगे कि इस पंचलट को आखिर जलाएगा कौन, इसके आगे की सिचुएशन क्या होती है। इस चैप्टर पे, पंचलट पे एक मूवी भी बनी है, आप उसे भी देख सकते हो। तो उम्मीद है पार्ट वन में हमने जितना पढ़ा उतना आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।